मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थ युग रामायण युग में स्त्रियों को बाहर जाने की आने की स्वतंत्रता क्यों नहीं थी? स्वतंत्रता क्यों नहीं थी? पहले तो ये प्रश्न हम समझें, ये लिए बात को समझें कि आज हमें सब फ्रीडम मिला हुआ है। पहले काल में देवियां जॉब नहीं करती थी, किसी के यहाँ काम करने नहीं जाती थी, ठीक। आज जा रही हैं, सुखी हैं, जॉब करके सुखी हैं। घर में जहां स्वामिनी बना के रखा हुआ था उस काल में, स्वामिनी बॉस, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, अब क्या बन गए? सर्वेंट। ये मानसिकता का विकास है कि गिरावट है? जहां कितने भी गरीब की पत्नी है लेकिन घर की स्वामिनी वही है। और आज कितने भी बड़े घरों में चले जाओ, वहां के बच्चे वो सर्वेंट बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। कौन सा पुरुष ऐसा है जो अपनी पत्नी को किसी के कंपनी में नौकर की नौकरी दिब्बा के काम करना चाहेगा? ये स्त्री का सम्मान है। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जब हम लोग कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई भी जब जॉब कंपनी में बैठी है, काम कर रही है, अधर्म, चार लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? सीता मां की तरह पूजा कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं? बोलो, जवाब दो। है क्या कर रहे हैं? कुछ न बोल सके, घूर तो रहे हैं, कुदृष्टि तो देख रहे हैं, हाय अन्ना, तो ये आजादी है, ये आजादी है, ये गिरावट है, ये आजादी नहीं। मैंने कहा गुरुजी ये गिरावट कैसे हुई? देख तो वो लोग रहे हैं, नजर उनकी खराब है। बहुत अच्छी बात है आपने कही। क्या सिर्फ पुरुष ही देख रहे हैं? नहीं, सच को हम लोग झुठला नहीं सकते। स्कूल जाकर हम लोग एक दृश्य देखें, कॉलेज जाकर हम लोग एक दृश्य देखें, माँ बाप हमें किस लिए भेजते हैं। हम बेंगलोर में अभी किसी के यहाँ गया रात्रि में जब लौटते हुए आप बेंगलोर की सड़कें देखें, ठीक है ना? तो वो जो, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना गलत है, मैं कह रहा हूं बाहर जाकर जो रिस्क बढ़ता है देवियों के लिए, ये कम नहीं है। मैं ले लूंगा आपको बाद में। दूसरी बात, भगवान श्री राम के समय में स्वतंत्रता नहीं थी रामायण काल में स्त्रियों की, ये गलत है। मुझे लगता है उस समय स्वतंत्रता भरपूर थी लेकिन मर्यादा के दायरे में थी, अमर्यादित स्वतंत्रता नहीं थी। अमर्यादित व्यवहार स्त्री करे अथवा पुरुष, उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। आज जो स्वतंत्रता के नाम पे हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? आप एक बार नेट ऑन करके देख लीजिए, सब स्वतंत्रता के नाम पे हो रहा है। कौन कर रहा है ये सब? यहां तो कोई पुरुष भी नहीं है, अकेला कमरा बंद है, मोबाइल चलाया, शुरू हो गए, डांस हो रहा है, ये स्वतंत्रता है? अब तो घर के बाहर भी नहीं गए आप, इसीलिए मर्यादा की आवश्यकता है। स्वतंत्रता जानना चाहे, स्वतंत्रता के नाम पे क्यों कह रहे? पता है अहिल्या, जो लोग, कई लोग उदाहरण देते हैं कि देवराज इंद्र वेश बदल के आया और अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया, और गौतम ऋषि ने क्या किया? बोले गौतम ऋषि ने अहिल्या को साप दे दिया। इसमें अहिल्या का क्या दोष था? दोष गौतम ऋषि का यह बल है कि इंद्र को भी साप दिया, तेरे अंग पे सहस्त्रों भग हो जाएं, और अहिल्या को इस बात का साप लगा कि तू काहे की पतिव्रता है जब तू अपने पति को नहीं पहचान सकती। तो पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। उदाहरण हम दे चुके हैं कि क्या हुआ अनसुईया जी का, तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया, ये पतिव्रता स्त्री है। क्या नहीं कर सकती वो? बहुत कुछ कर सकती है।
स्वतंत्रता के नाम पर एक और चीज हम आपको बता दें, स्वतंत्रता कितनी थी। आप एक प्रसंग याद करिए, रामायण में एक प्रसंग आता है, ये तो सबको पता होगा कि केकई माँ ने दो वरदान मांगे। वो वरदान कब के थे? दशरथ जी देवासुर संग्राम में युद्ध करने गए और केकई साथ में, साथ में केकई माँ। अब केकई माँ जब साथ में है तो कितनी स्वतंत्रता होगी। युद्ध में ले गए, कहां ले गए? युद्ध में लेके गए, ये स्वतंत्रता नहीं है। उस समय की स्वतंत्रता देखिए, वो तो धनुष तोड़ने का एक प्रण है, लेकिन उस काल में स्वयंवर भी होते थे, ये स्वतंत्रता थी कि जो राजकुमार तुम्हारे विषय में, जो तुम यहां इतने प्रदेश के राजकुमार आए हुए हैं, इनमें से तुम चुनो कि तुम्हारे योग्य कौन है। ये इतनी बड़ी स्वतंत्रता कहां मिलेगी? लेकिन इतने मतलब ऐसा नहीं है कि एक के गले में माला डाल दी, चार का व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। आजकल कैसी स्वतंत्रता चाहिए, जो हम चाहते हैं कि एक तो हमारा है ही, या एक तो हमारी है ही, पांच सात और हमारे कांटेक्ट में रहे तो, पर उन पे भी कोई उंगली ना उठाए। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह चरित्रहीनता है। आज जो हम चाहते हैं वो चरित्रहीनता चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुम जो कर रहे हो वो हमारी समझ में नहीं आया तो वो गलत है। पर ये धर्म नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। अब हम कहते हैं हमारा मन है, हम बात कर रहे हैं, तुम कौन होते हो, कैसे कर लोगे बात भाई? हु आर यू? तुम जिस समाज में रहते हो उसकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं और आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके संविधान रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते? बोलो, करते हैं ना, तभी हमें अच्छा नागरिक माना जाता है। तो जिस परमात्मा ने हमें इस धरती पे भेजा है, उसने भी तो कोई संविधान बना के भेजा है। उस संविधान को ब्रेक करोगे और फिर उसके बाद सम्मान पाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? भारत के कानून को तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, परमात्मा के कानून को तोड़ोगे तो भी सजा मिलेगी। और परमात्मा का कानून यह है, स्त्री हो या पुरुष, मर्यादा में रहकर अपने जीवन के आचरण को करे, मर्यादा ब्रेक करके न जाए। अगर चार लड़के लड़की को देख रहे हैं यह गलत है, तो चार लड़कियां एक लड़के की बात कर रही हैं यह भी गलत है। हॉस्टलों में क्या हो रहा है? ड्रग्स तक ले रही हैं लड़कियां, स्मोक कर रही हैं लड़कियां। लड़के तो कर ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लड़के नहीं कर रहे हैं। अब यह आजादी चाहिए? मां बाप को यह आजादी देनी थी तुम्हें भाई? मां बाप को यह आजादी देनी थी कि तुम ड्रग्स लो, तुम स्मोक करो, तुम जो है ड्रिंक करो, तुम हाथ में हाथ डाल के आज संडे इसके साथ, मंडे उसके साथ, ट्यूसडे उसके साथ, यह आजादी चाहिए? यह आजादी नहीं है, यह चरित्रहीनता है। यह तुम्हारा भी नाश करेगी और यह चरित्रहीनता तुम्हारे बाप का नाम डुबाएगी। और यही ये दोनों पे बात कर रहा हूं मैं, बेटा बेटी दोनों पे। राम इसलिए पूज्य कि जीवन भर उन्होंने आजादी का सदुपयोग किया मां सीता के साथ, और मां सीता ने यह आजादी का प्रयोग किया कि मैं महलों का त्याग करूंगी, अपने पति के साथ वन में रहूंगी। यह है आजादी। आजादी देखो ना क्या है। सीता मां कहती है मैं आपके साथ चलूंगी, राम जी ने इसलिए मना नहीं किया कि वो स्त्री है, इसलिए मना किया कि तुम महलों में रहने वाली हो, तुम वहां मत चलो। इसका मतलब क्या हुआ? महलों में रहो, इसका मतलब क्या है? ये राम जी की वो है फीलिंग कि तुम सुरक्षित रहो, तुम अच्छे से घर में सुख भोगो, बाहर बहुत कष्ट हैं। टम्पू वाला भी वो शीशा तो उधर ही रख देता है जहां तुम्हारा चेहरा दिखता है। टम्पू वाला भी, टैक्सी वाला भी, ये असुरक्षा है वहां। और मेरी घर की लक्ष्मी, मेरी घर की बेटी, मेरी घर की बहन जितना घर में सुरक्षित रह सकती है, कितनी भी बड़ी कंपनी में तुम जॉब कर लो, तुम उतनी सुरक्षित वहां नहीं हो। ये कौन से कारण हैं? भगवान श्री राम बता रहे हैं कि तुम मत चलो, ऐसा माहौल नहीं है वहां। महल का माहौल अलग है, वहां का माहौल अलग है। बोले नहीं मुझे चलना है, तब राम जी ने मना नहीं किया। यह है स्वतंत्रता, फिर चलो अपने पति के साथ, तुम्हें कहीं भी जाने का अवसर मिले
जाओ, अकेली जाने की अगर आप प्रयास करेंगे तो मेरा मानना ऐसा, पर्सनल मेरा मानना ऐसा है, उस स्वतंत्रता में, उस जाने में आपकी असुरक्षा बढ़ेगी। और आपकी असुरक्षा न बढ़े इसलिए हमारे शास्त्रों में ग्रह लक्ष्मी कहा गया है, बाहरी लक्ष्मी नहीं कहा गया है, ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। ये कौन है कि हमारे घर की लक्ष्मी है। हमारे शास्त्रों में तो महारानी लक्ष्मीबाई को कितना आजादी मिली, वो तो अभी की है, कितनी उस नाम किया उन्होंने। मीराबाई को आजादी नहीं थी भजन करने की, पर फिर भी उन्होंने घर में महलों में रह के कितना भजन किया, आज नाम हो गया उनका। तो हम एक बात मानते हैं, देवियां हमेशा से स्वतंत्र हैं। मर्यादा जो स्त्री के लिए है वही पुरुष के लिए है। अगर हम मर्यादा में रहकर, रामायण मर्यादा ही तो सिखाती है, और उस मर्यादा का पालन अगर हम करेंगे, सबरीमा आजाद नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी, पूरे जीवन भर वन में रही और तपस्या की और राम मिल गए, स्वतंत्र थी कि नहीं? किसी ने डंडे रखे हुए थे? नहीं ना। जीवन भर चाहे सीता माँ को ले लो, चाहे केकई माँ को ले लो, केकई माँ तो युद्ध में जाती थी, जो उनके गुण थे उन गुणों का सदुपयोग हर जगह किया गया है। तो मुझे लगता है आज से ज्यादा स्वतंत्रता तब थी और आज से ज्यादा सुरक्षा भी तब थी। उस समय कोई ऐसे ही टैक्स नहीं करता था, जो तुम्हें जानता नहीं वो टैक्स कर देता है, जो तुम्हें जानता नहीं वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, और फिर उसके साथ 10 15 20 दिन निकल जाते तब पता चलता है कि वो तो खुद ही बुड्ढा है कि नहीं। तो वो स्वतंत्रता हमको नहीं चाहिए। आज भी स्वतंत्रता हमारे यहां, स्वतंत्रता का शब्द छोड़ दो, अगर हम कहेंगे सम्मान स्त्रियों का, हमारे शास्त्रों में कितनी बड़ी बात कह दी गई, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवता वास करते हैं। तो कोई लोहे का 15-20 किलो की सरिया हो तो कहां रखोगे? हैं? आंधी आ जा, बारिश आ जा, कुछ भी आए, पड़ा रहे बाहर, हाँ या ना? और अंगूठी डायमंड की हो तो? ये जो हमारी घर की बहन बेटियां हैं ना, ये डायमंड से भी, कोहिनूर से भी लाख गुना ज्यादा कीमती हैं। और एक बच्ची के सम्मान की खातिर 1000 बच्चों की कुर्बानी हो जाए तो भी कम नहीं करना चाहिए, ये हमारी पद्धति है। और ये लड़के वड़के तो ये कौन है, ये सड़क पे हांडते फिरते रहते रात भर, ये क्या है? ये लोहा लंगड़ है, पढ़ाए तो पढ़ा रहे, पढ़ाए फेंक रहा है, फिक रहा है, घूम रहा है, घूमता रहे, क्यों? ये 5-10 थप्पड़ भी खा के आ जाएगा ना, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन किसी ने हमारी बेटी की तरफ घूर भी लिया तो बाप से पूछो क्या बीतती है, वो सिर्फ बाप जानता है। जो बेटियों का बाप होता है ना वो जानता है, जो लफंगे गुंडे चरित्रहीन होते हैं वो नहीं जान सकते बेटी का सम्मान क्या होता है, वो क्या जानेंगे? वो तो चाहते हैं कि हर घर की बेटी ऐसी ही हो, हमारी जैसी, हमारे संग घूमे, वो तो यही चाहेंगे। लेकिन चरित्रवान जानते हैं स्वतंत्रता का मतलब चरित्रहीनता नहीं हो सकता। स्वतंत्रता सत्ययुग में थी, स्वतंत्रता त्रेता युग में थी, स्वतंत्रता द्वापर युग में भी थी। कलयुग की स्वतंत्रता थोड़ी खतरनाक है, पर आप सबसे निवेदन, रामायण पढ़िए और स्वतंत्रता बनाए रखिए। राधे राधे।